गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू लॉन्चपैड एजुकेशन पंजाब। आज आप करन जा रहे हैं 15 दिनों के 2000 सवाल, दैट इज जीके मिक्स से करन जा रहे हैं जनरल नॉलेज। ठीक है जी, उस तो पहला PSSSP दी एग्जाम डेट्स जड़िया है वो आ चुकी है। 8 जनवरी नू वीडियो ग्राम सेवक का एग्जाम है, 15 जनवरी नू क्लर्क DEO का एग्जाम है, और 22 जनवरी नू एक्साइज इंस्पेक्टर का एग्जाम है, और एक एग्जाम फैब विच पोस्टपोन होया है, दैट इज 19 फैब नू क्लर्क का एग्जाम है। ठीक है जी, हुन आप ही देख लो कि टाइम बहुत घट रह चुका है वीडियो ग्राम सेवक के एग्जाम नू, ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 8-9 दिन ने सिर्फ। ठीक है, तो इस 8-9 दिन दे विच तुसी थोरली पूरे दे पूरे प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, तो उदे वास्ते तुहानू की करना है, वेबसाइट ते जाओ, कोर्स लो, टेस्ट सीरीज लो। ठीक है जी, और सारे दे सारे पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम बैचेस दे उत्ते जिदे विच टेस्ट सीरीज ते कोर्स दोनों ने, इहदे उत्ते तुहानू 60% दी ऑफर मिल रही है, 60% डिस्काउंट मिल रहा है तुहानू, और ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड है सिर्फ 31 दिसंबर तक, दैट इज न्यू ईयर। तुहानू न्यू ईयर का गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है जी, तो ₹1199 दे विच तुहानू टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स दोनों मिल रहे हैं, तो ये 60% का डिस्काउंट तुहानू मिलेगा अगर तुसी मेरा कोड दैट इज LP अवलीन लगाओगे। अगर तुसी मेरा कोड LP अवलीन लगाओगे तो तुहानू 60% का डिस्काउंट मिलेगा सारे दे सारे पंजाब गवर्नमेंट बैच दी टेस्ट सीरीज प्लस कोर्स दोनों दे उत्ते। ठीक है जी, अगर तुहानू कोई भी क्वेरी है तो तुसी साड़ी वेबसाइट दे उत्ते जाके देख सकते हो, और ऐप डाउनलोड करो लॉन्चपैड एजुकेशन जिते ईजीली तुसी कोड लगा सकते हो। ठीक है जी, ते LP अवलीन कोड लगाने तो बाद तो 60% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है जी, और जिन्हें बच्चों ने ऑलरेडी कोर्स ज्वाइन किया होया है या फिर कोर्स ज्वाइन जड़ा है और नहीं करना, टेस्ट सीरीज दे के देखनी है तो तुसी कन्या टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। ठीक है जी, सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, अमनजोत सिद्धू, मनदीप कौर, सत श्री अकाल बच्चे। सो इस तो इलावा तुहानू दस दिता जाए पंजाब सिविल सर्विसेज दैट इज PCS दे ऑनलाइन ते ऑफलाइन दोनों बैचेस दे उते फ्लैट 10,000 का ऑफ मिल रहा है तुहानू। ये ऑफर भी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड टाइम वास्ते है। ऑनलाइन चाहो तो तुसी लाइव क्लासेस लगा सकते हो, टीचर्स दे नाल इंटरैक्शन कर सकते हो। ठीक है जी, और ऑफलाइन बैच दे विच तुसी इत्थे लुधियाने आके लॉन्चपैड साडे लॉन्चपैड दे विच आके टीचर्स के नाल लाइव इंटरैक्शन कर सकते हो, उन्हां तो क्वेश्चंस पूछ सकते हो अगर तुहाडी कोई भी क्वेरीज है। ठीक है जी, अगर फिर भी तुहानू कुछ नहीं पता लगदा, लॉन्चपैड एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करो, उहदे उत्ते कोड लगाओ दैट इज LP अवलीन, तो तुहानू PCSSB ते सारे दे सारे बाकी दे होर गवर्नमेंट एग्जाम्स दे उत्ते तुहानू की मिल रहा है 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ न्यू ईयर तक है, तुहाडा न्यू ईयर का गिफ्ट है। ठीक है जी, ता वेट करन दी बजाए फटाफट कोड लगाओ ते 60% ऑफ लो। ठीक है जी, इस तो इलावा तुहानू दसदा असी फ्री NCERT बैच भी शुरू किए ने पंजाब PCS वास्ते, जे तुहानू पता ही है NCERT बहुत इंपॉर्टेंट हुंदी है। हुण बच्चे जेड़े है कि कोई भी तुहानू फ्री क्लासेस नहीं देगा, एटलीस्ट मैं तो बस पता नहीं, तुहानू फिर भी फ्री क्लासेस दित्तियां जा रही है, दैट्स बिगेस्ट थिंग कि तुहानू फ्री NCERT बैच करवाया जा रहा है। 8 PM टू 9 PM NCERT चलती है। ठीक है जी, तो तुसी वो भी लगा सकते हो। 15 दिसंबर तो स्टार्ट हो चुके हैं बैच, बिल्कुल संदीप कुमार जी, क्लास की PDF मिलेगी तुहानू। ठीक है जी, अज आप करन जा रहे हैं GK दे जर्नल क्वेश्चन, जर्नल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करन जा रहे हैं। एक चीज ध्यान रखनी है, इतने आप 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटे या 1 घंटे विच सॉल्व करते हैं, एग्जाम विच 2 घंटे विच 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है जी, चलो फर्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज दी स्टडीज नू की कहंदे हैं, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री या फिर एथनोलॉजी।
जी आंसर दो, की आएगा इधर आंसर, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, हिस्ट्री या फिर एथनोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी की होंगी है, एंथ्रोपोलॉजी होंगी है कि किसी भी थोड़े सिस्टम्स से कोई भी, जिवें एंथ्रोपोलॉजी इज ह्यूमन कल्चर्स या इन्हें सब बारे जानना, सिर्फ कुछ या फिर फील्ड की स्टडी जानना, दैट इज कॉल्ड एज एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ओरिजिन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स, या फिर फील्ड द स्टडी दैट इज कंसीडर्ड एज एंथ्रोपोलॉजी। सत श्री अकाल रूपी जी। ठीक है, अगला की है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी की होंगे, आर्कियोलॉजी होंगे है स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजी, कि पुराने जमाने विच की हुंदा सी, सारी डिटेल विच जाना, कल्चर, रेसेस, किदा होया सब कुछ, वो सब बारे जानना इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजी। हिस्ट्री का सारा नु पता है हिस्ट्री की होंगी है, एक बंदे दे लाइफ टाइम में उन्हें की किया, दैट इज हिज हिस्ट्री। ते एक है एथनोलॉजी, ता एथनोलॉजी की होंगे है कोई भी स्टडी, डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स की स्टडी, उन्होंने की रिश्ता सीगा, की रिलेशन है उन्होंने, दैट इज कॉल्ड एज एथनोलॉजी। तो अपना करेक्ट आंसर की हो गया, अपन स्टडी ऑफ एंशियंट सोसाइटीज चाहिए सी, तो अपना करेक्ट आंसर की हो गया आर्कियोलॉजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिकल 17 एंड 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड, आर्टिकल 17 ते 18 जड़ा है वो की दसदा है, सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी या फिर रिलीजियस इक्वालिटी। किदे बारे दसदा है, आर्टिकल नंबर 17 एंड 18। स्टार्ट करते हैं रिलीजियस इक्वालिटी, रिलीजियस इक्वालिटी किदे विच है, आर्टिकल नंबर 9 विच थानू रिलीजियस इक्वालिटीज दित्तियां हुई हैं। अगला है पॉलिटिकल इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल नंबर, आर्टिकल नंबर दैट इज 14 15 दे विच थानू समवट पॉलिटिकल दी इक्वालिटी मिलती है कि तुसी ए पॉलिटिक्स दे विच ए चल सकता है, ए नहीं चल सकता। ठीक है, इकोनॉमिक इक्वालिटी दी गई है आर्टिकल नंबर 39 विच। ते हुण की रह गया, आर्टिकल नंबर 17 ते 18 दे विच अपने को दिता होया है सोशल इक्वालिटी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री टू पार्टनर विद विच ग्लोबल कंपनी ऑन डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। इंडिया फर्स्ट कंपनी बनी सी, उन्हें किदे नाल पार्टनरशिप की सी फॉर ग्लोबल कंपनी, किस किस जगह देते हो कंपनी जड़ी है ग्लोबल कंपनी है, उदे नाल इंडिया ने पार्टनरशिप की सी ऑन, मेन इज डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट दे उत्ते। सो केड़ी कंपनी है, ट्विटर, गूगल, फेसबुक या फिर माइक्रोसॉफ्ट। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ने, क्योंकि ये तो भी नहीं पता होंगे कि कितों आने हैं, इधर सिलेबस बहुत वास्ट है, कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चन कितों दे आ जाए, तो इसलिए जिन्ने ज्यादा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे उन्नी ज्यादा थोड़े विच क्लैरिटी आती जाएगी थोनू। एदा आंसर रहेगा जी फेसबुक, फेसबुक नाल पार्टनरशिप की सी इंडिया ने किदे उत्ते, ऑन डिजास्टर रिस्पॉन्स मैनेजमेंट दे उत्ते। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लगा करन तो पहला आपा की करना है शेयर, सेशन नो शेयर कर दो फटाफट, जिन्हें लाइक नहीं किया वो लाइक कर लो, जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया चैनल वो सब्सक्राइब कर लो, ते शेयर करो क्लास नो, ज्यादा तो ज्यादा बच्चे ज्वाइन करन और वो अपनी क्वेश्चंस नो देख सकन, क्योंकि
जिन्होंने भी एग्जाम देना है बच्चे उन्होंने जनरल नॉलेज की चीज चाहिए है। बच्चे मिल जाएगा गुरजीत जी तुहानू मिल जाएगा, कोर्स भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। 60% डिस्काउंट है बच्चे टिल फर्स्ट टिल 31 दिसंबर तक, मतलब न्यू ईयर तक ही है, तो मेरे अकॉर्डिंग बच्चे अवेल कर लो फटाफट, ठीक है जी, क्योंकि इस तो बाद डिस्काउंट बदने नहीं है। मेरा कोड है LP अवलीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर करता, आगे चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द इंडियन रेलवेज हैज इंटीग्रेटेड इट्स हेल्पलाइन नंबर्स इनटू अ सिंगल नंबर, व्हाट इज द नंबर? जिधर बहुत सारे इंडियन रेलवेज ने उन्होंने की किया इंटीग्रेट किया एक हेल्पलाइन नंबर, सिंगल नंबर बनाया, बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर्स की बजाय एक सिंगल नंबर बनाया है, और वो नंबर केड़ा है, 160, 150, 145 या 139? एवं क्वेश्चन बहुत आते हैं क्योंकि ये जनरल क्वेश्चन होंगे तो उन्होंने लगता है कि ये क्वेश्चन तो एटलीस्ट एक आम सिटीजन को पता होने चाहिए है। तो आंसर इज व्हाट? आंसर जेड़ा है वो है 139 इज दैट नंबर कि इंडियन रेलवेज ने एक सिंगल नंबर बनाया सी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ग्रीन प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम दे विच ग्रीन प्लैनेट केड़ा है? प्लूटो, वीनस, यूरेनस या फिर मार्स? दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जनरल नॉलेज विच भी आंदा है, साइंस विच भी आंदा है, की लगता है आंसर की होगा? विच इज द ग्रीन प्लैनेट? हुण देखो प्लैनेट्स किने ने, टोटल 8 प्लैनेट्स हुंदे ने सोलर सिस्टम दे विच, टोटल 8 प्लैनेट्स ने। 9th प्लैनेट एक क्या सी? प्लूटो है, बट वो ड्वार्फ प्लैनेट है, दैट इज नॉट अ प्लैनेट इटसेल्फ, ठीक है। तो टोटल तो 8 प्लैनेट्स ने। तो पहला प्लैनेट मरकरी, दूसरा वीनस, देन अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ठीक है जी। तो ग्रीन प्लैनेट किनू कहते ने? शेयर करन चले गए सेशन सारे बच्चे, शेयर करके वापस भी आना सी, शेयर करके उठे थोड़ी बह जाना सी। चलो तो आंसर इज, इसका आंसर है यूरेनस। यूरेनस नु की कहा जाता है? ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि इसका कलर जिड़ा है अपन देखने विच ग्रीन लगता है। प्लूटो जिड़ा है उसका कलर है, ये वैसे ड्वार्फ प्लैनेट है और इसका कलर है डार्क ब्राउन कलर, ठीक है जी। वीनस जेड़ा है, वीनस का कलर हुंदा है पेल येलो कलर, देखने में रेड कलर का दिख रहा है, आप अर्थ तो भी वीनस नू देख सकते हैं, दिस इज द मेन थिंग, आप अर्थ तो भी वीनस देख सकते हैं और रेड कलर का दिखता है अर्थ तो वीनस, वैसे उसका कलर हुंदा है पेल येलो कलर। अगर मार्स की गल करिए तो इसका कलर हुंदा है रेडिश ब्राउन कलर, बाकी सारे की गल करा मरकरी का कलर होंदा है ग्रे, अर्थ का तो सारे नु पता है अर्थ का कलर ब्लू प्लस विद वाइट क्लाउड्स, ठीक है जी। सो नेक्स्ट उस तो इलावा नेपच्यून रह गया, नेपच्यून का जो कलर होंदा है वो होंदा है ब्लूइश कलर, जुपिटर का जो कलर होंदा है वो की होंदा है ऑरेंज कलर, ऑल ऑरेंज, और जो सैटर्न होंदा है उसका कलर होंदा है गोल्डन कलर विद रिंग्स, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, शेयर कर दो, पर शेयर करके बैठे नहीं रहना, उठे वापस आना है क्लास, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया शेयर, चलिए आगे। सम पिंस आर नीडल, सम पिंस आर नीडल्स, सम नीडल्स आर हैंडल्स, सम हैंडल्स आर लॉक्स एंड सम लॉक्स आर कीज, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ट्विस्टेड क्वेश्चन है। सम पिंस आर नीडल्स, ओके लेट अस सी, कुछ पिंस की ने नीडल्स ने, अच्छा इसका आंसर पहले तुसी दो फिर मैं दस दिया कि ने। सो ऑप्शंस ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਮ ਕੀਜ਼ ਆਰ ਨੀਡਲਸ, ਸਮ ਹੈਂਡਲਸ ਆਰ ਪਿੰਸ, ਸਮ ਪਿੰਸ ਆਰ ਕੀਜ਼, ਐਂਡ ਯੋਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ 1 ਐਂਡ 2।
टू एंड थ्री, वन एंड थ्री एंड कोई भी नहीं। पहला तुसी अपने बिहाव दे उते सॉल्व करके देखो, देन आपा देखांगे किने सही किता किने गलत किता, फिर मैं दसूंगी। जल्दी जल्दी, इतना टाइम तो नहीं लगता बच्चे सॉल्व करन च। अमनजोत, गुरजीत, रूपी, संदीप कुमार, मनदीप, सो देखो कहते सम पिन्स आर नीडल्स, ए ऑप्शन वन एंड टू, ओके। सम कीज आर हैंडल्स एंड सम हैंडल्स आर पिन्स, ओके। नेक्स्ट, और चलो मैं दस दिया। वो कहते सम पिन्स आर नीडल्स, मान लो एक ही है पिन्स, ता सम पिन्स आर नीडल्स, ठीक है। ए वाली की है नीडल्स है, हुन सम नीडल्स आर हैंडल्स, आ कुछ नीडल्स जिहड़ियां है वो की है हैंडल्स, कुछ पिन्स जिहड़ियां सी वो नीडल सी, कुछ नीडल जिहड़ी सी वो हैंडल सी। हुन वो कहते हैलो रमन जी, हैलो बच्चे, चलो सम नीडल्स आर हैंडल्स, सम हैंडल्स आर लॉक्स, ये जड़े हैंडल्स ने सम हैंडल्स आर लॉक्स और सम लॉक्स आर कीज, हो गया। हुन मैंने दसो ऑप्शन की आएगा, सम कीज आर हैंडल्स, कीज कितने है आ रहा है, हैंडल कितने आ रहा है गया? नहीं है ना। हुन सम हैंडल्स आर पिन्स, हैंडल कितने आ रहा, पिन्स आ रहा, विच तो है कुछ नहीं हो सकता। सम पिन्स आर कीज, पिन्स कितने ते कीज कितने, हो सकता है नहीं हो सकता। तो मतलब फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन भी नहीं हो सकता, सेकंड एंड थर्ड भी नहीं हो सकता, फर्स्ट एंड थर्ड भी नहीं हो सकता, सो ऑप्शन इज नन। लग गया पता। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मैन बुकर प्राइज, फर्स्ट इंडियन वुमेन केड़ी सी जिन्हें मैन बुकर अवार्ड जितया सी? अरुंधति रॉय, किरण देसाई, सलमान रुश्दी, वीएस नायपॉल। की है फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द मैन बुकर अवार्ड? मैन बुकर प्राइज जेड़ा है ना, ये दुनिया का सब तो ज्यादा पैसे वाला अवार्ड है। सिद्धी भाषा विच कहनी हूं, सब तो ज्यादा पैसे वाला अवार्ड है केड़ा, मैन बुकर प्राइज। सो वीएस नायपॉल जेड़ा है वो एक राइटर है, कॉमिक्स लिखे है ने, कॉमिक्स या हिस्ट्रीज लिखी है उन्हें बहुत बारी, कॉमिक्स लिखे है मेनली, ठीक है। सलमान रुश्दी की है, एक नॉवलिस्ट है, इन्हें नॉवल लिखे है, बहुत अच्छे अच्छे नॉवल लिखता है, ठीक है। एंड किरण देसाई जड़ी है, किरण देसाई है यंगेस्ट मैन बुकर प्राइज में जीतने वाली यंगेस्ट वुमेन रही है, कौन? किरण देसाई, ठीक है जी, यंगेस्ट रही है। बट फर्स्ट जड़ी रही है वो है अरुंधति रॉय, फर्स्ट एसी यंगेस्ट पूछी जाए तो किरण देसाई, ठीक है जी। तो उस तो पहला की करना आप शेयर, मैं बार बार कह रही हूं हर दो क्वेश्चन के बाद शेयर कर दो, ठीक है जी। क्वेश्चन पसंद आए शेयर कर दो, ओके जी। सो तुसी कोड लगाना है एलपी अवलीन, कोर्स ते टेस्ट सीरीज लो। बच्चे मैं हर बारी कहनी हाँ पूरा एक सब्जेक्ट छाड़ के तुसी एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, चाहे वो जीके है, चाहे वो क्वांट पार्ट है, मैथ पार्ट है, साइंस पार्ट है, जीके हिस्ट्री कुछ भी है, तुसी पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट छाड़ के एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, ठीक है जी। सो कई बार देखो हूँ जो तुसी बच्चे की साइंस छड़ दे जीके विच भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं, जीके पार्ट भी वीक हो गया, हूँ जीके विच साइंस के क्वेश्चन आते हैं, कई बार जीके दे विच हिस्ट्री के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे कोर्स लो, टेस्ट सीरीज लो, एक क्वेश्चन सिर्फ उन्होंने वास्ते जिन्हें पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी का मतलब यह है कि वो टेस्ट सीरीज भी कर रहे हैं,
टेस्ट सीरीज दे नाल एक ना अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तुसी उत्थे जाओगे ठीक है एग्जाम दे विच तां हमेशा डर हुंदा है कि असी एग्जाम देन जा रहे हैं, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ठीक है। तो उस डर नू ही ओवरकम करन लई, उस कॉन्फिडेंस नू बनाने लई क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है बार बार। और टेस्ट सीरीज विच तो क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए जाएंगे, तो उन्होंने आंसर्स दिते जाएंगे उस तो बाद जब तुसी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ठीक है। तो दैट इज द थिंग कि तुसी टेस्ट सीरीज करो, कोर्स ज्वाइन करोगे तो उन्होंने रिकॉर्डेड लैक्चर मिल जाएंगे सारे ठीक है, सारे के सारे रिकॉर्डेड लैक्चर मिल जाएंगे तो उन्होंने, जिदे नाल तो उन्होंने अगर कोई भी डाउट है थोड़े दिमाग च कोई भी वो की होएगा क्लियर हो जाएगा। और यही है कि डाउट क्लियर करना बहुत जरूरी चीज है। इन्ने सारे वास्ट सिलेबस विचों की पढ़ना है की नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट की है की नहीं इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ लाइक डिफरेंशिएट करना, उन्हों अलग अलग करना कि इंपॉर्टेंट की है, की करना है की नहीं करना, वो बहुत वड्डी गल है। और असी तो उन्हों बेसिकली ओवें दे रहे हैं, अलग करके दे रहे हैं सो दैट तुसी कन्फ्यूज ना हो। एग्जाम नू वैसे भी बहुत घट दिन रह गए, हुण जिन्होंने तो बच्चे किया ही नहीं उन्होंने लिए यह बहुत वधिया ऑफर है, 60% ऑफ मिल रहा है, न्यू ईयर पर ही है बस, इस तो इलावा नहीं मिलेगा। इसलिए LP अवलीन कोड लगाओ, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 60% डिस्काउंट लो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करता शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज रिचार्ज्ड बाय सब सॉइल वॉटर? गोदावरी, दामोदर, नर्मदा या फिर कृष्णा? सब सॉइल वॉटर का क्या मतलब होता है? कोई एवं दा पानी, सब सॉइल का मतलब, सब सॉइल मतलब सॉइल दे नीचे ठीक है, वो वाला पानी जिहड़ा सॉइल दी टॉप लेयर, अगर ये टॉप लेयर है उस तो नीचे जिहड़ियां लेयर्स आंदियां है सॉइल दियां, उन्हां लेयर्स विच जिहड़ा पानी है उन्हूं कहिंदे आ आपां सब सॉइल वॉटर ठीक है। तो सब सॉइल वॉटर जिहड़ा है रीचार्ज्ड बाय सब सॉइल वॉटर, रिवर्स इज रीचार्ज्ड बाय ठीक है। तो हुण ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਰਿਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਸੋਇਲ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ, ਦਮੋਦਰ, ਨਰਮਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ? ਜਲਦੀ 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 ਆਂਸਰ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਸਪੀਡ ਵੀ ਫਾਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੀ। सो इहदा आंसर रहेगा नर्मदा। नर्मदा एक एवें दी रिवर सी जिहड़ी कि सब सॉइल वाटर दे नाल की हुई है रीचार्ज हुई है ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू ब्रांड अंबेसडर फॉर स्वच्छ भारत मिशन इन 2017? ਕਿਹਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ 2017 ਵਿੱਚ? ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਚੋਪੜਾ, ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨੁਸ਼ਕਾ ਸ਼ਰਮਾ? ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲਿੰਕਡ ਵਿਦ ਦੈਟ ਥਿੰਗ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਆਂਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਹੂ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ। ਸ਼ਿਲਪਾ ਸ਼ੈਟੀ ਇਜ਼ 41 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਐਕਟਰੈਸ, ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰੈਸ ਹੈ, 41 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਫੋਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਈਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵੇਂ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਲਿਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਬਿਊਟੀ ਕਾਲਡ? ह्यूमन ब्यूटी, स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी
बच्चे हमेशा अपने क्वेश्चन नु पक्का करी दा हुंदा, ठीक है ना। हुण आपां कहीए कि आपां नु एक टाइम विच लग रहा सी ठीक है, दूसरे टाइम विच आपां नु थोड़ी थोड़ी प्रोबेबिलिटी लग रही थी, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट आपां फिर कंफ्यूज हो जाने ना एग्जाम विच और अपनी स्पीड भी घट जाती है, फिर अपना दिमाग उत्थे लग्या रह जाता है। सो वट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन ब्यूटी कॉल्ड? एर्गोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, कैलोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी? देखो सब तो पहली चीज, लॉजी वर्ड का मतलब हुंदा है स्टडी, ठीक है। सो लॉजी वर्ड का मतलब हुंदा है हमेशा स्टडी। सो स्टडी ऑफ वट सी, ओके। आर्गोलॉजी की हुंदा है, आर्गोलॉजी इज रिलेटेड विद स्टडी, रिलेटेड विद क्रॉप्स, दैट इज वट एग्रीकल्चर। आर्गो वर्ड रिप्रेजेंट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के नाल जिहड़ी लिंक्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉस्मेटोलॉजी। कई बच्चे पता की कहते हैं कि मैम कॉस्मेटोलॉजी भी हो सकता है, क्योंकि आप लाइक जो अजकल कोर्सेस आते हैं लाइक मास्टर इन कॉस्मेटोलॉजी एंड ऑल, ठीक है। बट इट्स लाइक कॉस्मेटोलॉजी बच्चे की होंगे, कॉस्मेटोलॉजी है कि जो आप ब्यूटी के ट्रीटमेंट्स करते हाँ, जिदे ब्यूटी के ट्रीटमेंट्स किए जाते हैं, ट्रीटमेंट्स लाइक मैनीक्योर पेडीक्योर, गर्ल्स बहुत चंगी तरह पता होगा, ठीक है, कुड़ियों को बहुत चंगी तरह पता होगा मैनीक्योर पेडीक्योर एंड दैन जेडे भी उन्होंने कैमिकल ट्रीटमेंट्स होंगे, दैट ऑल आर रिलेटेड विद कॉस्मेटोलॉजी, दैट इज ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। जिहड़ा ऑलरेडी इन बिल्ट ह्यूमन ब्यूटी है उसकी स्टडी नू कहंदे आ कैलोलॉजी। और ओंकोलॉजी की हुंदा है, ओंकोलॉजी ओंको जिहड़े ने एक कैंसर सैल्स नू कहंदे ने ओंको सैल्स, तां कैंसर की स्टडी नू कहंदे ने ओंकोलॉजी। तां दो तां एग्जैक्टली जिहड़े आ उह खत्म ही हो गए सी, जिहड़ी कन्फ्यूजन सी उह तां बंदी इन्हां दोनों विच सी सिर्फ। नीरज देवर, बच्चे तुसी ऑलरेडी सही आंसर दिता सी, सही आंसर देखे उनू गलत किता, कंफ्यूजन सी, चलो कोई नहीं। सो कॉस्मेटोलॉजी ते कैलोलॉजी विच बनती सी, अगर कोई कंफ्यूजन बनती भी सी तो कॉस्मेटोलॉजी तो ठीक है, ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, कैलोलॉजी ह्यूमन ब्यूटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, G15 इज एन इकोनॉमिक ग्रुप ऑफ, G15 किदा इकोनॉमिक ग्रुप है? फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस, थर्ड वर्ल्ड नेशंस, फोर्थ वर्ल्ड नेशंस एंड सेकंड वर्ल्ड नेशंस। सो G15 जेड़ा है वो किदा इकोनॉमिक ग्रुप है? G15 जेड़ा है वो थर्ड वर्ल्ड नेशन दा इकोनॉमिक ग्रुप है। वो थर्ड वर्ल्ड नेशन दा इकोनॉमिक ग्रुप है। इनू G15 क्यों कहंदे आ? क्योंकि जो इहदी डेवलपमेंट की गई सी इस इकोनॉमिक ग्रुप की, तो इहदे विच 15 देश जेड़े है, 15 देश इनकलूड सी। केड़े केड़े लाइक सारे तो नहीं, पर मैं इन्ना कु दस देनी है तुहानू। इंडिया विच इनकलूडेड सी इंडिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और होर भी सीगे लाइक मलेशिया सीगे इहदे विच, हाँ मलेशिया सी, मैक्सीको सी, बहुत सारे सीगे इहदे विच, और टोटल उन्होंने नंबर जिहड़ा सी वह 15 सी, ठीक है। बट हुण रीसेंटली जिहड़ा है इहदे विच 18 कंट्रीज आ चुके हैं, इनकलूड हो चुके हैं, बट इहदा नाम नहीं बदलिया, इहदा नाम G15 ही रखिया, ठीक है। हुण इहदे विच 18 ने टोटल। हुण जिहड़ी फर्स्ट वर्ल्ड नेशनज है, फर्स्ट वर्ल्ड नेशन विच जिहड़ा मेन देश सी, मेन देश वह सीगा अपना US, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। थर्ड वाले विच दस दिता, थर्ड वाले विच मेन जिहड़े आंदे सीगे ओ सी एशिया ते अफ्रीका, जिहड़े विच इनकलूड होए सी बाद विच, ठीक है, मेन कॉन्टीनेंट्स। जिहड़ा फोर्थ वर्ल्ड नेशन सी, फोर्थ वर्ल्ड सेकंड वाले, सेकंड वर्ल्ड नेशन दे विच रशिया जिहड़ा सी ओ मेन सी, रशिया विच इनकलूड होया सी और यही मेन सी, ठीक है जी। सो नेक्स्ट, अगर हुण ए पूछा जाए कि G15 विच हुण किन्नी कंट्रीज है, तो दैट इज 18 कंट्रीज हुण जिहड़ियां ने, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वन पीपल वन स्टेट वन लीडर वॉज द पॉलिसी ऑफ, किदी पॉलिसी सी ए? एक पीपल एक स्टेट और एक ही लीडर हो गए, किदी पॉलिसी सी? स्टालिन, लेनिन, मुसोलिन या फिर हिटलर? किदी सी?
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੀਪਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਟ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ P SSB ਦੇ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ, ਇਹ GK ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਸਟੈਲਿਨ, ਬਚੇ ਹਿਟਲਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ ਵਨ ਪੀਪਲ ਵਨ ਸਟੇਟ ਵਨ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਸਟੈਲਿਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, 6 months ਡੇ 6 months ਨਾਈਟ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨੇਪਾਲ, ਨਾਰਵੇ, ਤਿੱਬਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਈਸਲੈਂਡ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਕੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਆਨਸਰਸ, ਫਾਸਟ ਫਾਸਟ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰਸ ਦਿਓ। ਸਿਕਸ ਮੰਥਸ ਡੇ ਐਂਡ 6 months ਨਾਈਟ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ, ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ, ਪੋਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੋਲਸ ਪਤਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੋਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਟਰ, ਇਹ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਅਰਥ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਪੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਟੁਵਰਡਸ ਟਿਲਟਿਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦ ਤੱਕ ਅਰਥ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹਾਫ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਨ, ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਟਿਲਟ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਰਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਐਂਟਾਰਕਟਿਕਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿਨ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੋਲਫ ਪਲੇਅਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਵਿਚ ਕੰਟਰੀ? ਇੱਕ ਗੋਲਫ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ? USA, ਫਿਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਫਿਰ UK? ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਸ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਲਫ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਫ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਮੋਸਟ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਚੈਂਪੀਅਨ, ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਗੋਲਫ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਗੋਲਫ ਪਲੇਅਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਕਨੇਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਨ ਪਲੇਅਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੀ ਬਿਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੀ ਬੈਸਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਦੀ ਬਿਗ ਫਿਜ਼ੀਅਨ, ਉਹਦੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਬਿਗ ਫਿਜ਼ੀਅਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਫਿਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਜਰ, ਇਹਨੇ 3 ਗੋਲਫ ਦੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 1984 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 1984 ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੇ 3 ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਵਨ, ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਇਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵਰਲਡ ਗੋਲਫ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਵਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन लग गया पता। अगला क्वेश्चन इस तो पहला शेयर कर दो, इस तो बाद में अगला क्वेश्चन करवानी है। सेशन नू शेयर कर दो बच्चे, सो दैट ज्यादा तो ज्यादा बच्चे इस चीज के विच इन्वॉल्व हो सकन, ताकि उन्होंने भी जनरल नॉलेज बढ़े। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्टेस्ट शॉर्ट हैंड राइटर वॉज डॉक्टर जी डी बेस्ट, जे आर डी टाटा, जे एम टैगोर या फिर खुदादा खान। कौन सी फास्टेस्ट, जिन्हें फास्टेस्ट की किया सी, शॉर्ट हैंड राइटर है, इनू की कहते हैं स्टीनोग्राफी कहते हैं। फास्टेस्ट जी है वह किन्ने की सी, आंसर इज जी डी बिस्ट। डॉक्टर जी डी बिस्ट ने की की सी, ये सब तो ज्यादा फास्टेस्ट लिख रहे थे। और इन्हों की स्पीड किन्नी सी, इन्ह ने 250 वर्ड्स लिखे सी एक मिनट दे विच विच, एक मिनट विच इन्होंने 250 वर्ड्स लिखे सी। डी इज रोंग आंसर बच्चे, जे आर डी टाटा ने कोई भी फास्ट, ही इज नॉट अ फास्ट शॉर्ट हैंड, वो कोई एज सच इदा दे फास्ट हैंड राइटर नहीं सी। ठीक है जी। सो आंसर थोड़ा करेक्ट आंसर की बनिया, दैट इज जी डी बेस्ट, गोपाल दिस। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर दिया। एप्सम इज द प्लेस एसोसिएटेड विद, एप्सम एक प्लेस है, वो कहते हैं एप्सम केड़ी प्लेस है, किदे नाल एसोसिएटेड है, स्नूकर, शूटिंग, पोलो या फिर हॉर्स राइडिंग। किदे नाल एसोसिएटेड है एप्सम, थोड़ा दस देनी है ये बारे। एप्सम जेड़ी है वो इंग्लैंड की एक कंपनी है, कंपनी नहीं सॉरी शहर है, इंग्लैंड का एक शहर है, प्लेस है इंग्लैंड दे विच। ठीक है, इंग्लैंड दे विच एक प्लेस है दैट इज एप्सम, जो कि ओनली एंड ओनली 15 माइल्स की दूरी पर है लंडन तो, लंडन तो 15 माइल्स की दूरी के उत्ते है एप्सम प्लेस। एंड दिस एप्सम जेड़ा है इहदा ना, इहदे नाम तो ही एप्सम सॉल्ट का नाम पिया सी, एप्सम सॉल्ट सुनिया होगा। ठीक है, सैंदर अवर। सो एप्सम सॉल्ट का नाम इसे तो पिया सी एप्सम शहर तो, क्यों, क्योंकि पहली बारी एप्सम सॉल्ट इतों ही डिस्कवर होया सी, और ये सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ों लिए मशहूर है जेड़ा एप्सम है यह प्लेस, दो चीज़ों लिए मशहूर है। एक मैं तुहानू दस्सी, दैट इज एप्सम सॉल्ट, क्योंकि उत्थे सब तो पहला एप्सम सॉल्ट मिला सी, मिनरल वाटर्स दे विचों कढ़िया सी एप्सम सॉल्ट। ते दूसरी चीज है इहदे विच मेन, दैट इज हॉर्स रेसिंग, ये दो ही चीज़ों वास्ते मशहूर है, याद रखना है एप्सम इज फेमस फॉर एप्सम सॉल्ट एंड हॉर्स रेसिंग। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर दो। अगला क्वेश्चन, फैथोमीटर इज यूज टू मेजर, फैथोमीटर कादे वास्ते यूज किया जाता है, किस चीज को मेजर करने वास्ते, अर्थक्वेक नू, रेनफॉल नू, ओशन डेप्थ नू या फिर साउंड दी इंटेंसिटी नू। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पैथोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स, किनू मेजर करता है, अर्थक्वेक नू मेजर करने वास्ते आप लैने हाँ या तो सिस्मोग्राफ्स या फिर रिचर स्केल की यूज करते, आप स्केल तो रिचर स्केल यूज किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट इज सिस्मोग्राफ। ठीक है, रेनफॉल वास्ते आप यूज करते हाँ दैट इज रेन गॉज, रेन गॉज नाम का एक इंस्ट्रूमेंट है और रेनफॉल वास्ते यूज किया जाता है। सो आंसर इज दैट इज ओशियन डेप्थ, ओशियन डेप्थ वास्ते की यूज किया जाता है फैथोमीटर। बच्चे बहुत ईजी क्वेश्चन ने, बहुत ईजी क्वेश्चन ने, और अगर ये क्वेश्चन भी नहीं आते या फिर इस क्वेश्चन वास्ते भी तुहानू इंटरनेट की लोड पै रही है या किसी होर का आंसर देखने की लोड पै रही है, तो आई सीरीयसली सुजेस्ट यू कि यू शुड बाय कोर्स, टेस्ट सीरीज भी नहीं कहूँगी, जिन्होंने नहीं आते वो बच्चे कोर्स बाय करो, क्योंकि मैं बहुत ईजी क्वेश्चन लेके आई हूँ इस करके, सो दैट थोड़ा पता लगे कि तुम कितने स्टैंड करते हो। कई बार इदा होंगे आप हाई लैवल पूरा क्लीयर कर लें, बेसिक आप खत्म हो जाते हैं। ठीक है,
द कोर्स लो, टेस्ट सीरीज लो, सिर्फ और सिर्फ 1199 विच तुहानू मिल रहे हैं, बहुत घट रेट है, डिस्काउंट मिल रहा है, न्यू ईयर का गिफ्ट मिल रहा है, अवेल करो इनू। और तुसी कोड केड़ा लगाना है, मैं पहला भी किया, LP Aveline कोड लगाओ, 60% का डिस्काउंट मिलेगा, जल्दी लगाओ क्योंकि न्यू ईयर खत्म हो जाना है, जे इदा ही वेट करोगे, और ऑफर भी खत्म हो जानी है। साउंड इंटेंसिटी वास्ते डेसीबल मीटर यूज किया जाता है, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस तो पहला कोड लगाओ, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज विमेन्स इक्वालिटी डे, केड़ा दिन सेलिब्रेट किया जाता है एज विमेन्स इक्वालिटी डे, 17th July, 26th August, 19th June एंड 5th January। जिन्हें डेज ने ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे ने, इन्हों याद करना जिन्ना डिफिकल्ट होंदा है उन्ना ज्यादा यह इंपॉर्टेंट होंगे ने। और थानू अगर तुसी कोर्स लोगे बच्चे, थानू डेट्स, डेज, सारा कुछ, अवार्ड्स, ऑनर, सुमित मिनिस्टर्स के नाम, सब कुछ थानू विद अ ट्रिक करवाए जाएंगे, सो दैट तुसी उनू दोबारा भुलो ना, एग्जाम दे विच तुसी उसे ट्रिक दे नाल याद करके उनू विद इन अ सेकेंड तुसी वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये वास्ते थानू कोर्स बाय करना पड़ेगा जिदे नाल थानू रिकॉर्डेड लैक्चर्स मिलेंगे। सो इट्स आंसर इज 26th अगस्त। 26th अगस्त नू विमेन्स इक्वालिटी डे किया जाता है क्योंकि ये डेज बहुत इंपॉर्टेंट ने, तो सिर्फ यही डेज नहीं, सारे के सारे डेज, और ये बहुत सारे डेज ने, बहुत सारे डेज ने, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे की तरह किस दिन नू जेड़ा है सेलिब्रेट किया जाता है, 18th अप्रैल, 10th जनवरी, 5th फेब या फिर 19th जून। सो व्हाट्स द करेक्ट आंसर फॉर विमेन, फॉर वर्ल्ड हेरिटेज डे। वर्ल्ड हेरिटेज डे जड़ा है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, 18th अप्रैल नू, 18th अप्रैल इज कॉल्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे। हुण हैरीटेज का मतलब तो पता ही है, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स जिहड़े भी होंदे है, ठीक है जी। सो डेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रिक्स नाल याद करो, बहुत ईजीली याद हो जाएगा। 10th Jan इज अ रोंग आंसर नीरज, एंड डेज बहुत इंपॉर्टेंट होंदे ने, आई थिंक यू शुड अवेल दिस डिस्काउंट क्योंकि इस तो बाद इस तो ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलना, ठीक है, 60% हो गया, इस तो ज्यादा डिस्काउंट नहीं मिलना, कटेगा ही। गुरविंदर कौर, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड आफ्टरनून बच्चे, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, इंग्लिश का किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दिल्ली या फिर दादरा एंड नगर हवेली। सो व्हाट्स द आंसर, इंग्लिश जेड़ी है किसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, बहुत इजी है, दिल्ली की तो सारे नु पता ही है, दिल्ली की तो हिंदी है, तो दिल्ली तो वैसे ही चला गया, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ने बच्चे, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज इदा इंपॉर्टेंट ने कि वो तुहाडे तों पूछ लैंदे ने, जिवें हुण इह क्वेश्चन है, इंग्लिश जिहड़ी है वो चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश जिहड़ी है वो चंडीगढ़ की ऑफिशियल लैंग्वेज मनी जाती है, हिंदी नहीं है चंडीगढ़ की लैंग्वेज। आपां नूं एवें लगता है कि चंडीगढ़ की जिहड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज है वह भी की है, हिंदी है, एज अपने सारे की हिंदी लैंग्वेज है, कि पूरे के पूरे इंडिया के विच व्हाट्स दिस कि आप हिंदी लैंग्वेज मोस्टली यूज करते हैं तो उन्होंने ऑफिशियल माना जाता है, नहीं जी, चंडीगढ़ के विच इंग्लिश नूं ऑफिशियल लैंग्वेज कहा गया है।
देखो इतने शौक हो रहे हैं ना रूपी जी, तो इस शौक नहीं आप खत्म करना है। बहुत सारे इदा के क्वेश्चन ने जिन्हें उत्ते शौक लगन वाला है जेडे नहीं पता। ठीक है, सो व्हाट इज दिस, याद रहेगा इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर चंडीगढ़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस तो पहला मैं याद करा रहा, मेरा कोड है LP अवलीन, और तुसी ये लगाना है न्यू ईयर तो पहला पहला, सो दैट तुम्हें ज्यादा तो ज्यादा डिस्काउंट मिले। और ज्यादा तो ज्यादा डिस्काउंट की है 60%, इस तो ज्यादा डिस्काउंट नहीं है, सिर्फ यही डिस्काउंट है। सीरियसली जीके जड़ी है वो शॉकिंग होती है, इस करके मैं पहला क्या, जीके जड़ा है वो बहुत वास्ट है, ठीक है ना। तो जीके जड़ी है वो कितों भी आ सकते हैं, कितों भी, और कुछ भी नवा बिच इंक्लूड हो सकता है, तो इस करके यू हैव टू बी केयरफुल। इसलिए तो असी नाल 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 जड़ी है पूरी दी पूरी डिटेल देंदे जा रहे हैं, करंट अफेयर्स सब कुछ, सो दैट अगर थोड़ी एग्जाम दे विच कोई भी आ जाए कोई भी, तो यू कैन रिप्लाई फॉर दिस। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द इंडियन आर्मी डिस्कवर्ड वर्ल्ड वॉर टू यूएस एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, किन्ने मेंबर्स जिहड़े आ उन्होंने इंक्लूड किया, 5, 8, 12, 20। की आएगा इहदा आंसर? सो इहदा लैंग्वेज जिहड़ा है, इहदा जिहड़ी तुसीं क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट इज कि दमन एंड दीव की लैंग्वेज की है, अमरीक सिंह। दैट इज बच्चे कि दमन एंड दीव दे विच तीन लैंग्वेजेस जिहड़ियां वो कीतियां गई हैं, पहली जिहड़ी है सब तो पहली वो गुजराती सी, और सेकंड वन हिंदी कीती गई है, उहदी इंग्लिश नहीं है। नागालैंड बच्चे तो उहनूं ऑप्शन विच नहीं सी, अमन कुमार। तो आपां तां आंसर सिर्फ उही करना है ना जिहड़ा कि आपां नूं उहदे विच है, ऑप्शन विच है। सो इहदा आंसर की रहेगा, 5, 8, 12, B, दैट इज 8। किन्ने मैंबर सी, किन्ने मैंबर्स ऑफ इंडियन जिहड़े आर्मी है उन्होंने डिस्कवर किया गया सी वर्ल्ड वार टू दे यूएस एयरफोर्स एयरक्राफ्ट विच। सो इहदा आंसर मोस्टली गलत है, 5 इज रोंग आंसर, 8 इज रोंग आंसर, 12 इज राइट आंसर। बच्चे बहुत ईजी क्वेश्चंस ने, मैं बार बार कह रही हाँ, मैं ये सब तो ईजी क्वेश्चंस लेके आई हाँ सिर्फ इस चीज़ में दिखाने वास्ते, इस चीज़ में देखने वास्ते कि तुसी बच्चे किस किस जगह के उत्ते किस लेवल के उत्ते हो, ताकि तुहानू इंप्रूव करन दी किन्नी कु लोड़ है, किन्ने कु तुहानू MCQs कराए जाण, किन्ने कु तुहानू किस हद तक तुहानू टेस्ट सीरीज़ विच क्वेश्चन पाए जाण। ठीक है, तो मैं हमेशा कहनी हाँ कि बच्चे कोर्स नहीं लेना, तो एटलीस्ट एंड एटलीस्ट टेस्ट सीरीज लो, सो दैट यू कैन गेट द कॉन्फिडेंस टू डू दी जीके क्वेश्चंस, टू डू एवरी सब्जेक्ट्स क्वेश्चन, सो दैट अगर एग्जाम विच जा रहे हो तो तुसी कॉन्फिडेंस नाल जाओ कि मेरी तैयारी है, और तुसी उस एग्जाम नू क्लियर करो। ठीक है जी, जॉब करनी है, क्लियर करना है, जॉब दी गल है जिथे, तां उथे थोड़े बहुत एफर्ट तां करने पैणगे, और तुहानू 60% ऑफर मिल रही है। दोबारा कोड याद करवा रही हां, तुहानू कोड रट जाना चाहिए LP अवीन। अगली बारी मेरा कोड तुसी दसोगे मेरा कोड की है। ठीक है जी, तो मेरा कोड है LP अवलीन, 60% डिस्काउंट मिलेगा न्यू ईयर तो पहला, न्यू ईयर गिफ्ट। सो ये पता लग गया 12 जिहड़े मेंबर सीगे ओ इंक्लूडेड सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूशन
इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग लोकेटेड, नेशनल इंस्टीट्यूट जेड़ा है एग्रीकल्चर मार्केटिंग दा, दैट इज NIAM, ओ किथे लोकेटेड है? हिसार, भोपाल, न्यू दिल्ली या फिर जयपुर? किथे है नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग? हिसार, भोपाल, न्यू दिल्ली या फिर जयपुर? सो इट्स आंसर इज रॉन्ग, सारे का गलत है, हिसार नहीं है, भोपाल नहीं है, न्यू दिल्ली नहीं है, आंसर इज जयपुर। जयपुर नु होर की क्या जाता है? दैट इज पिंक सिटी। जयपुर का दूसरा नाम पता है ना, पिंक सिटी। ओके बिश्नोई जी, फर्स्ट टाइम यू अटेंडेड माई क्लास, सो किदा दी लगी तुहानू क्लास दसिए जरूर, रेट करियो, कमेंट करियो किवें दी लगी तुहानू क्लास, और क्लास अटेंड करो, क्वेश्चंस देखो। सो वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर मार्केटिंग लोकेटेड? दैट इज जयपुर। जयपुर नो और क्या जाता है? पिंक सिटी। याद रखना है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जयपुर का दूसरा नाम की है, स्टेट का दूसरा नाम की है, जिन्होंने दो दो नेम्स है, ठीक है, और फेमस ने जिस चीज वास्ते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डायमंड सिटी ऑफ इंडिया? मैं पहला क्या नाम बहुत पूछते ने, सो डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किनू क्या जाता है? मुंबई, जयपुर, सूरत, पना, पूना। सत श्री अकाल मोहम्मद मसद। ओके बच्चे दसो, डायमंड सिटी किनू क्या जाता है? आंसर इज करेक्ट ऑप्शन है सूरत। सूरत नू क्या जाता है? डायमंड सिटी ऑफ इंडिया। होर की क्या जाता है? दस सकते हो सूरत नू होर की क्या जाता है? इट्स रॉन्ग आंसर अभिषेक। बच्चे तुहानू ना कोर्स दे विच होर चीज भी दसदा, तुहानू कोर्स विच डे, डेट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड इवन समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसिस एंड अदर देन दैट मिनिस्टर्स और लिस्ट एवरीथिंग कि केड़े केड़े विच मिनिस्ट्रीज किदे किदे कोल है, सिटीज दे नेम की ने, थोनू सब कुछ करवाया जाता, रिकॉर्डेड लैक्चर मिलेंगे तुहानू इहदे बारे च, ठीक है। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ने कि यदा दूसरा नाम की है, इनू होर की कहा जाता है, तो दैट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है जी। सो इट्स आंसर इज सूरत। होर दस सकते हो सूरत नू, पना नू भी बोलते ने, मैं ताई इथे हुन दैट इज आंसर पूना किया है, वो इस करके क्योंकि अगर बच्चे थोनों ये दोनों ऑप्शंस आवे, दोनों ऑप्शंस अगर सूरत ते पना आए, इदा तो हो नहीं सकता कि दोनों ऑप्शंस करेक्ट ने, ठीक है, दोनों ऑप्शंस करेक्ट नहीं हो सकदिया, तो इसे करके मैं पूना कर दिता सी इथे, क्योंकि पना इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायमंड सिटी, बट आप ऑप्शन इको ही सही कर सकते हैं, इस करके मैं सूरत नू टिक करवाया है, पना इज ऑल्सो कॉल्ड एज डायमंड सिटी, ठीक है जी। हम दो ऑप्शंस था इको जे, अगर चलो तो दो ऑप्शंस इको जे आ गए तो तुसी किनु करेक्ट करोगे, सूरत नू या पना नू? हम सही तो दोनों ही ने। सूरत का दूसरा नेम है सिल्क सिटी। सूरत का दूसरा नेम है सिल्क सिटी। सूरत नू सिल्क सिटी भी कहते हैं क्योंकि उसे सिल्क की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होती है, सिल्क बहुत ज्यादा बिकता है, ठीक है जी। तो सूरत का दूसरा नेम दैट इज सिल्क सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन करवान तो पहला मैं की करना है, आपा की करना है, आपा नेक्स्ट क्वेश्चन की बजाय शेयर करना है, उस पहला शेयर दिस सेशन। सो फर्स्ट पीको सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज,
फर्स्ट पीको सैटेलाइट ऑफ इंडिया केड़ी है, जीसैट 4, अनुसैट, स्टटसैट या फिर इनसैट? पीको सैटेलाइट, सब तो पहला आप टर्म क्लियर कर दिया, पीको सैटेलाइट, पीको सैटेलाइट दा की मतलब है एवं सैटेलाइट बच्चे जिदे विच बहुत घट मशीनरी यूज हुई है, ठीक है, बहुत ही घट जड़ी है मशीनरी थोड़ी यूज हुई है, पीको का मतलब अजकल तो वैसे नैनो पीको भी आ गई है, ठीक है, तो पीको सैटेलाइट इज वर्ड जिद बहुत घट मशीनरी यूज हुई है, मिनीएचर यूज हुए, मिनीएचर का मतलब छोटी छोटी चीजा यूज हुई, ठीक है, तो उन्होंने आप कहने पीको सैटेलाइट। तो फिर फर्स्ट पीको सैटेलाइट की है, जीसैट 4, अनसैट, स्टटसैट या फिर इनसैट? एम आई ऑडिबल बच्चे, होना रही आवाज? साउंड क्लियर है? हुन वीडियो ऑडियो दोनों ठीक है, क्लियर है? गुड आफ्टरनून रेखा जी, तो मेरे एक बारी थम्स अप दे दो कि वीडियो ते ऑडियो दोनों क्लियर ने, ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन अगे करवा सका। कैन वी प्रोसीड? ओके ओके, ठीक है जी। सो फर्स्ट पीको सैटेलाइट ऑफ इंडिया इज, फर्स्ट पीको सैटेलाइट केड़ी है इंडिया दी? दैट इज स्टटसैट। स्टटसैट इज फर्स्ट पीको सैटेलाइट ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कर दिया। अच्छा, इस अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करन तो पहला मैं दसो मेरा कोड की है और तुसी केड़ा कोड लगाना है। अच्छा, देयर इज सम टेक्नोलॉजी इशू, ऑडियो आ रही है मेरी? ग्रेट, वीडियो रुक गई। तो बच्चे इफ यू, ऑडियो आ रही है मेरी, मेरे को एक बार बता दो। ओके ओके, देयर इज सम नेटवर्क इशू बच्चे, लेट्स सी, शायद अब होने ठीक हो जाए है। चलो उस तक आप एवं कर दिया, गल कर लेने हैं। मेरा कोड है LP अवीन, तुसी लगाना है। गुड आफ्टरनून ड्रीम गर्ल जी, सो मेरा कोड है LP अवीन, तुसी ओदे तो पहला न्यू ईयर तो पहला एक कोड लगाना है, सो दैट यू कैन गेट 60% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है जी। और 60% डिस्काउंट दे विच जितों 60% का डिस्काउंट मिल रहा है, सो दैट इज वॉट तुसी उहदे विच कोर्स ते टेस्ट सीरीज दोनों अवेल कर सकते हो, तुहानू दोनों चीज़ा करवाइया जाएंगी। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होंदी है फॉर द कॉन्फिडेंस लैवल, सो दैट तुसी अपने आप नूं कॉन्फिडेंस फील कर सको जदों तुसी एग्जाम विच जाना है, ठीक है। तो मेरा कोड है LP अवलीन।
सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे सी द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन विच कंट्री. ऑडियो ऑडिबल है ना मेरी, वॉइस तो आ रही है. इट्स अ टेक्निकल प्रॉब्लम. अच्छा तद तक सारे मैनू दसो तुसी केड़ा कोड लगाना है जो तुसी 60% डिस्काउंट अवेल करना है ना, केड़ा कोड लगाना है. Exactly, it's LP Avleen. App download करो बच्चे, Launchpad Education का app download करो, उधर भी easily codes लग जाएंगे. So अब इस तो बात करना है next question. मैं देख दिया video, it's like एक्साइज इंस्पेक्टर का है पेपर, तारीख है 22 जनवरी. इरादियां नु कर लो मजबूत, करांगे सब्जेक्ट ते कांसेप्ट नाल इंसाफ. 100 तो वध क्लासेस ते 25 तो ज्यादा टेस्ट, हर दिन यूट्यूब ते करांगे सवालों दा सामना. क्योंकि तुसी करना है एक्साइज दा पेपर पास, डट के कर लो तैयारी ते जुड़े रहो लॉन्चपैड एजुकेशन. ओके मैं दसो थानू ऑडियो ते वीडियो हुन दोनों ठीक है, क्लियर है. पहले मैंने थम्स अप भेज दो कि ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है. बच्चे मैंने दस दो सो दैट आई कैन प्रोसीड. ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस इन दिस इन बिटवीन जो भी हुई. सो योर क्वेश्चन इज द ग्रैंड कैनियन लोकेटेड इन विच कंट्री. केड़ी कंट्री विच लोकेटेड है ग्रैंड कैनियन, घना, यूएस, कैनेडा या फिर बोलीविया. So our answer is Grand Canyon is located in US, that is United States of America.
यूनाइटेड स्टेट विच है ये, ठीक है जी। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन करन तो पहला शेयर कर दो, मेरा कोड हुण तां रट गया, हुण है मैनू भी रट गया, एलपी अबलीन, और यही लगाना है। तुसी ऐप डाउनलोड करो लॉन्चपैड एजुकेशन, इहदे ते जाके कोड लगाओ एलपी अबलीन, तुहानू 60% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। कोड नहीं लगाओगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और कोड मेरा ही लगाना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनवेंटेड द 3D प्रिंटर? 3D प्रिंटर किन्ने इनवेंट किया सी? निक होलोंग्याक, एलियास होवे, चक हल, या फिर क्रिश्चियन हॉगिंस? हु इनवेंटेड द 3D प्रिंटर? 3D प्रिंटर किन्ने इनवेंट किया सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, क्योंकि अजकल 3D प्रिंटर ही चलते ने। सो 3D प्रिंटर किन्ने इनवेंट किया सी? इनू ना होर 3D प्रिंटिंग नू होर एक नाम दिता जाता है, दैट इज स्टीरियोलिथोग्राफी। इनू एक होर चीज कहा जाता है स्टीरियोलिथोग्राफी। स्टीरियोलिथोग्राफी क्या जाना है, अदर नेम है फॉर 3D प्रिंटिंग, ठीक है। इनू इनवेंट करन वाला जिहड़ा सी उहदा एम, मेन एम जिहड़ा सी ओ ए सी कि उहने ना अजकल जिहड़े भी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स चलदे ने उहदे उत्ते 3D प्रिंटिंग जिहड़ी है उहनू मोटिवेट करना सी, मतलब उहनू शुरू करवाना सी कि 3D प्रिंटिंग नाम दी भी कोई चीज़ हो सकती है। और ये इनवेंशन जिहड़ी है उह 1983 विच होई सी, 1983 विच इन्वेंशन हुई सी, एंड इट वॉज डन बाय चक हल, नॉट क्रिश्चियन हॉगिंस। सो हल इन्वेंटेड द स्टीरियोलिथोग्राफी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 3D प्रिंटिंग, स्टीरियोलिथोग्राफी। नाम भी याद रखना है, कई बार की कहते हैं वो सीधा 3D प्रिंटिंग की बजाय ना पता की पूछ लेंगे ने, हु इन्वेंटेड स्टीरियोलिथोग्राफी, हु वॉज द इनवेंटर ऑफ स्टीरियोलिथोग्राफी। तो ये दोनों चीज़ा सेम ने, स्टीरियोलिथोग्राफी भी ते नाल 3D प्रिंटर भी, 3D प्रिंटिंग, ठीक है। तो यदा आंसर की है चक हल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हिंदी डे? वर्ल्ड हिंदी डे केड़े दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 5th फैब, 10th जनवरी, 19th अक्टूबर, या फिर 20th दिसंबर? किनू सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे? हुण देखो इंडिया की जिहड़ी ऑफिशियल लैंग्वेज मनी जाती है वह हिंदी मनी जाती है, तो ये क्वेश्चन के पूरे पूरे चांसिस ने कि वह तुहानू आणगे, और ये चांसिस होर की ने, क्योंकि ये जिहड़ा 10th जनवरी नू आंदा है, जिहड़ा वर्ल्ड हिंदी डे है वह 10th जनवरी नू आंदा है, और तुहाडे एग्जाम्स कदों है? 8th जनवरी, 15th जनवरी, 22 जनवरी, सो सारे दे सारे जनवरी च है। तो एक तो रीजन ये बनता है कि हिंदी है ना, दूसरा रीजन बनता है कि जनवरी में आता है और एग्जाम से कोल आता है, तो इस करके वर्ल्ड हिंदी डे कदों मनाया जाता है, दैट इज 10th जनवरी। तो आप ये चीज याद रखनी है। ठीक है जी, PG विच हिंदी सम्मेलन मनाया जाएगा, ग्रेट। इंटरनेशनल हिंदी कॉन्फ्रेंस PG विच जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, उस तो पहला की करना है शेयर, शेयर करने तो पहला बाद आप ऐप दे उत्ते जाना है और कोड लगाना है, दैट इज एलपी अबलीन, है ना। हूं तो मैं बहुत बारी कहता, तो हूं तो आप की करना है फटाफट, जो ये सैशन खत्म होया नाल दी नाल करो डाउनलोड लॉन्चपैड एजुकेशन ऐप, और उत्थे जाओ एलपी अबलीन कोड लगाओ, तो अपने जो डिस्काउंट है उन्होंने अवेल करो, पढ़ो, ठीक है, और एग्जाम दो, एग्जाम क्लीयर करो, फिर जॉब लगो वधिया वधिया, फिर आके मैं दस्यो कि मैम वी क्लीयर्ड द एग्जाम और मैनू जॉब मिल गई, ठीक है जी, थोड़े नालों ज़्यादा खुशी सानू होएगी। ओके okay?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड द ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट? सो केड़ी स्टेट ने लॉन्च किया से ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट? बच्चे फटाफट अपने मेरे नो आंसर दे दो, मैं फटाफट करवा दूंगी। विच वो इशू आ गया वरना हुन तक हो जाने से कंप्लीट। विच स्टेट लॉन्च द ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट? सो इट वॉज लॉन्च बाय ओडिशा, नॉट आंध्र प्रदेश। जिन्हें आंध्र प्रदेश आंसर दिता है बच्चे गलत है। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट की है वो कहते हैं कि मोटिवेट करो कि बच्चे बच्चे बूढ़े जो भी है सारे दे सारे सिटीजन जेड़े ने ओडिशा दे वो की करन टैप तो पानी पीन विदाउट उदा कोई भी ट्रीटमेंट, उनू फिल्टर किते बिना बॉयल किते बिना पीन उनू। ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगे चलते हैं। थ्री इंडियन ओरिजिन वुमेन वर सिलेक्टेड एज, तीन वुमेन सिलेक्ट की गई सी और उन्होंने ओरिजिन इंडिया का सी, बर्थ इंडियन सी। सो उन्होंने सिलेक्ट किया गया सी फॉर द सुपर स्टार्स ऑफ स्टेम इन विच कंट्री? केड़ी कंट्री विच सुपर स्टार्स ऑफ स्टेम किया गया सी? स्टेम, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेम वर्ड? स्टेम वर्ड का मतलब सी साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथ्स। ठीक है, इन्हों सारा दे विच सुपर स्टार जिहड़े है उन्हां नूं इंक्लूड किया गया सी और केड़े जिहड़े है कंट्री विच सिलेक्ट किया गया सी? USA, BABC, ओके ABC, कैनेडा, USA, बी फॉर जर्मनी, हरप्रीत फॉर USA। सो इहदा करेक्ट ऑप्शन जिहड़ा है वह सारिया का ही गलत है, USA भी नहीं है, सारिया का गलत है इहदा आंसर। USA भी नहीं है, जर्मनी भी नहीं है, कैनेडा भी नहीं है, तो एक ही बचा हूँ सारे लिख दो ऑस्ट्रेलिया। सो कित्थे कीता सी? ऑस्ट्रेलिया विच कीता सी। तो तीन विमेन्स जिहड़ियां सी इंडियन ओरिजन दे उन्हां सिलेक्ट कीता सी एज ए सुपर स्टार ऑफ स्टेम, वो कीता सी ऑस्ट्रेलिया दे विच। तुके नाल पेपर सॉल्व नहीं होना। ठीक है जी। सो अगे चलिए, आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। सो इनू याद रखो, सुपर स्टार ऑफ स्टेम ऑस्ट्रेलिया। So, next question. Which Indian state has started online registration of crops by an initiative named as e-crops? किने शुरू किता सी? किस Indian state ने start किता है online registration करवांदे ने crops की? Farmers तो crops पूछ रहे ने कि उन्होंने केड़ी केड़ी grow किती, इहदे विच farmers included होंदे, उन्हां तो सारी दी सारी detail लई जांदी है, फिर उन्होंने क्रॉप्स नू रजिस्टर करवाया जाता है ऑनलाइन और इस सारी चीज नू कहते हैं ई क्रॉप। तो एक केड़ी स्टेट ने स्टार्ट करवाया सी? कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या फिर तेलंगाना? ओडिशा। किने क्या ओडिशा? BC। ओके, होर फटाफट आंसर दो, फटाफट जल्दी। आप 1.5 घंटे 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, 2 घंटे 120 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बच्चे, जल्दी स्पीड बढ़ाओ थोड़ी जी। सो इहदा आंसर है आंध्र प्रदेश। ऑडियो आ रही है मेरी? बच्चे ऑडियो आ रही है? सो इट्स आंसर इज आंध्र प्रदेश। तो वीडियो रुक,
आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने की किया है ई क्रॉप दे जड़ा नवा इनिशिएटिव है ओनू स्टार्ट किया है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद रिलायंस जियो टीवी टू टेलीकास्ट एजुकेशन मटीरियल टू स्कूल चिल्ड्रन। केड़ी इंडियन स्टेट ने जड़ा है वो साइन किया एक एग्रीमेंट किदे नाल, रिलायंस जियो टीवी दे नाल मिलके, ताकि वो की टीवी दे उते की टेलीकास्ट करन, एजुकेशन मटीरियल टेलीकास्ट करन फॉर दी जेड़े स्कूल वाले बच्चे ने उन्हां लई। ता एक किने कीता है, केड़ी इंडियन स्टेट ने, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात या फिर ओडिशा। इट्स करेक्ट ऑप्शन इज, बच्चे जल्दी आंसर करो, इहदा करेक्ट ऑप्शन है हरियाणा। हरियाणा स्टेट ने की है रिलायंस जियो टीवी दे नाल एक एग्रीमेंट साइन किया सी, सो दैट हरियाणा के जेड़े भी चैनल्स ने ओदे उत्ते की दिखाया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स वास्ते जेड़े है, स्कूल के बच्चों वास्ते उन्होंने की दिखाया जाएगा, दैट इज एजुकेशन मटीरियल सिर्फ। गुजरात में सब कुछ बाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरोज ऑफ 2020 इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। केड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने हीरोज ऑफ 2020 जेड़े है वो पब्लिश कीती है इस नाम दी बुक, केड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनेस्को ने, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने, इट्स गेट्स फाउंडेशन, गेट्स फाउंडेशन ने, टाइम्स मैगजीन ने, एनडीटीवी ने। सो किने कीते है, ऑप्शन बी, हीरोज ऑफ 2020। इन्हां दस देनी आ हीरोज ऑफ 2020 विच की सीगा, उन्होंने दस्या सीगा कि 2020 दे जेड़े जिन्होंने भी मतलब वो वाले जिन्होंने ड्यूटी नहीं भी सीगी स्टिल उन्होंने अपने वालों इन्ना सारा काम किया सी, उन्होंने ड्यूटी नहीं सी फिर भी उन्होंने सारे की हेल्प की, काम किए बहुत सारे। ठीक है, सो ये किने कीते सी, केड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने, इट्स रोंग आंसर बच्चे, ए नहीं है। होर दसो, होर दसो किने कीता हो सकता है। इहदा करेक्ट आंसर जेड़ा है वो है टाइम्स मैगजीन। टाइम्स मैगजीन ने की कीता सी, पब्लिश कीती सी हीरोज ऑफ 2020 बुक, जिदे विच ड्यूटीलेस पर्सन जिन्हां दी कोई ड्यूटी भी नहीं सी ओहदे विच, उहनां नूं भी की कीता सी, उहनां ने भी काम कीता सी और अपनी बिना ड्यूटी दे भी चीजा कीतिया सी। यूनेस्को इज द रोंग आंसर पूजा जी, यूनेस्को भी नहीं है, एनडीटीवी भी नहीं है और बिल एंड मेलिंडा गेट्स भी नहीं है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं, उस तो पहला सेशन शेयर कर दो सो दैट जिन्हें नहीं भी देखे जिन्होंने हुण ज्वाइन किया वो शुरू तो बाद विच देख लें। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत श्री अकाल लखविंदर जी, वैसे तुसी मेरा सेशन पहली बार ज्वाइन किया है, मैं तो काफी बार करवाया है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिटी पहला जो नवे आए है बच्चे उन्होंने मैं दस देव कि बच्चे तुसी जेड़े क्वेश्चन नहीं हम तक सॉल्व किए ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, सिर्फ थोड़े से क्वेश्चन रह गए, जिन्हें बच्चों ने नहीं क्वेश्चन सॉल्व किए, जिन्हें बच्चों ने नहीं क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्वेश्चन सॉल्व कर लियो, पिछले पिछली क्लास मतलब पिछे भी जाके एक बार पढ़ लियो। नमस्ते बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा
मैं हुने पिछे जे करवाया सी कि विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे, कोई इहदा आंसर दे सकदा है जिन्हां ने भी लगाई सी या जिन्हां दा भी गलत होया सी? दोबारा रिपीट कीता मैं एक क्वेश्चन सो दैट आपां नूं पता लग सके विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे। सो इहदा आंसर की है? इहदा आंसर है 18th अप्रैल। मैं हुणे पिछे जे भी करवाया सी, स्टिल आंसर नहीं आया। व्हाट डज इट मीन? क्लास नहीं ला रहे प्रॉपर? बच्चे आई वॉज ऑन लीव एक्चुअली, मैं थोड़ी देर दी लीव दे उते सी बिकॉज मेरे ब्रदर की मैरिज थी, ठीक है, तो मैं लीव दे उते सी। इस तो पहला मैं क्लासेस लीती हैं साइंस दी, मेरी काफ़ी क्लासेस हुई हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स नू पता है, थे सुमन बांसल, ज्योति, रूपी, इन्होंने क्लासेस लगाई हुई हैं, मेरे मोहम्मद। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सिटी हैज won the cleanest city award in the Swachh Sarvekshan 2020 survey? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਦੌਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੇਮਸ ਫੋਰ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਕਸ਼ਨ 2020 ਸਰਵੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਔਰ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾਈਕ ਟਾਈਟਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੀਤ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਮਾਈ ਸੈਸ਼ਨਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ, ਵਰਲਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਡੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਡੇਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚ ਡੇ ਇਜ਼ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿਡ ਐਜ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ? ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ? 6th ਮਾਰਚ, 18th ਅਕਤੂਬਰ, 21st ਫੈਬ ਜਾਂ ਫਿਰ 10th ਜਨਵਰੀ? ਕੇਵੀ ਸਿੰਘ ਸੈਡ 21st ਫੈਬ। ਹੋਰ ਜਲਦੀ ਆਂਸਰ ਦਿਓ, ਫਟਾਫਟ ਆਂਸਰ ਦਿਓ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਚੋਪੜਾ, ਸੋ ਇਟਸ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਇਜ਼ 21st ਫੈਬ। ਅੱਛਾ 6th ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚਲੋ 6th ਮਾਰਚ ਆਇਆ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, 6th ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? 6th ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ 6th ਮਾਰਚ ਵਾਲੇ ਦਿਨ? ਬੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਬੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? 21st ਫੈਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ 6th ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਮੈਨਸ ਡੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵਿਮੈਨਸ ਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੰਪਲੀਟਿਡ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਲਾਂਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, 2 ਵਜੇ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਪਿੱਛੇ ਰਿਵਰਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਇਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੀਏ। 8th ਮਾਰਚ, ਸੋਰੀ ਦੈਟ ਵਾਜ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੀਰਜ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਲਪੀ ਅਵਲੀਨ। ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਹੈ 60% ਆਫ ਦੀ। ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। 13th ਫੈਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੁਮੈਨਸ ਡੇ, ਐਗਜੈਕਟਲੀ 13th ਫੈਬ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੁਮੈਨਸ ਡੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਲਪੀ ਅਵਲੀਨ ਕੋਡ ਲਗਾਉਣਾ, ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ, ਲਾਂਚ ਪੈਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਮੇਰਾ ਕੋਡ ਲਗਾਓ 60% ਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਡ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, 60% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਟਿਲ ਬੱਚੇ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਵੇਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਘਟੇਗਾ ਹੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ठीक है, सो दैट तुसी अपना एग्जाम अच्छे तरीके नाल कर लो और इस दे विच तुसी कोर्स ते टेस्ट सीरीज दोनों इंक्लूडेड ने तुहाडे कोर्स एंड टेस्ट सीरीज, ठीक है। और एवें दे बच्चे जिन्होंने कला टेस्ट सीरीज लेना है बच्चे तो तुसी वो भी लै सकते हो, उहदे वास्ते भी मेरा कोड यूज करो एलपी अवलीन, तुहानू उहदे विच भी डिस्काउंट मिलेगा। और जिन्हें बच्चों ने पीसीएस करना है उत्थे तुहानू 10,000 ऑफ मिलेगा, ठीक है जी। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल ने, तुसी चाहते हो तो लुधियाने आके साडे नाल लाइव इंटरैक्शन भी कर सकते हो, ठीक है जी। और ऑनलाइन दे विच भी लाइव डिस्कशन कर सकते हो साडे नाल, ठीक है जी। बाकी तुहानू क्लास किदां दी लगी कमेंट ते रेट करके दसो, और बाय बाय, टेक केयर। कल मिलते हैं 2 बजे अपनी नेक्स्ट क्लास ली, ठीक है जी।